बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री चैप्टर से है। सॉल्व एक्स पी इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन को लिखेंगे, उसके बाद इसके अगले स्टेप में यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ पी, यानी पी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ तो एक्स रह जाएगा और यहाँ पर 1/p हो जाएगा। इसको पी से डिवाइड करेंगे तो ओनली यहाँ पर पी बचेगा। इस तरीके से ये एक्स की जो वैल्यू आई से इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। जब एक्स की वैल्यू निकल आई पी के टर्म में, तो हमें इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पर लिख दें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी एक्स ओवर डी वाई। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे 1/p का डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में पी का करेंगे, अलग अलग दोनों टर्म का हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पी की पावर अभी नहीं लिखी तो 1 है, ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगी। इसे तो हम डी पी ओवर डी वाई ही लिखा रहने देंगे। डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर आगे जाती है और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है, लेकिन ये वाई नहीं था, ये पी था, तो इसलिए इस पी का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। प्लस में ये डी पी ओवर डी वाई चल रहा है हमारा। उसके बाद अगले स्टेप में माइनस पी की पावर ये -2 हो जाएगी और डी पी ओवर डी वाई इस वाले टर्म में भी है और यहाँ पर भी डी पी वाई ओवर डी पी ओवर डी वाई ये वाला टर्म भी है। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है ये हमारे डी एक्स ओवर डी वाई के कुल चल रहा है। इस पावर को प्लस करना है तो 1/p में लिख देंगे, 1/p² हो जाएगा। और इन दोनों में से हम अगर कॉमन ले लें डी पी ओवर डी वाई, तो इससे हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पी का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स और 1/p का मतलब होता है डी एक्स ओवर डी एक्स ओवर डी वाई। तो डी एक्स ओवर डी वाई की जगह पर 1/p लिख सकते हैं, जब यहाँ पर वेरिएबल वाई और पी को हम सेपरेट कर सकते हैं। इस तरफ डी पी की तरफ पी वाले टर्म को हम ट्रांसपोज कर देंगे और डी वाई को उधर ले आए, तो डी वाई की वैल्यू आ जाएगी पी का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इन दोनों टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 कर लें और इन 1 और पी स्क्वायर का एलसीएम पी स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स और 1 का ऊपर इंटू करेंगे -1 मिला, प्लस इस पी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 से तो पी स्क्वायर टाइम्स से आएगा। पी स्क्वायर का 1 में इंटू करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी हैं। यहाँ पर सिर्फ डी पी बचेगा क्योंकि डी वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर चुके हैं। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे कि पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई की वैल्यू मिल जाएगी -1 प्लस पी स्क्वायर अपान पी डी पी। यहाँ से सेपरेट भी कर लेंगे, इसको अलग अलग करके सेपरेट करके लिख लेंगे। तो डी वाई इज इक्वल टू मिलेगा -1/p और प्लस ई अपान की करेंगे, पी की एक पावर कैंसिल होकर सिर्फ पी मिलेगा और यहाँ पर है डी पी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग तो लेफ्ट हैंड साइड में ये डी वाई है, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, और राइट हैंड साइड में जिसको इंटीग्रेशन करना है वो हमारा -1/p और प्लस पी है जिसको हमें पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। दो टर्म है यहाँ पर, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा और यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो माइनस कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। 1/p का इंटीग्रेशन पी के रिस्पेक्ट में और प्लस पी का इंटीग्रेशन पी के रिस्पेक्ट में। हम लोग जानते हैं 1/p का होता है लॉग पी इंटीग्रेशन प्लस, और इसमें पावर 1 है तो इंटीग्रेशन करते हैं, एक पावर बढ़ जाती है उतनी से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एक आ जाएगा सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देंगे, यानी जो वाई की वैल्यू आई है वो ये आ चुकी है। इस टर्म को अगर पहले लिखें तो 1/2p² ऐसे लिख सकते हैं, फिर माइनस का ये लॉग पी है प्लस कॉन्स्टेंट, उसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, चाहे उसे डाल दें वो एक ही बात है दोनों। तो अब हम कह सकते हैं हैंस इक्वेशंस 1 एंड 2
taken together, taken together give the solution, means the equation number one को जो कि x की value है in terms of p, और यहाँ पर y की value है in terms of p, इन दोनों को अगर साथ साथ लेंगे हमें solution मिल जाएगी. means equation one और two से p की value को eliminate जब की जाएगी तो हमें given differential equation का solution मिल जाएगा. thank you very much indeed for listening me. वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.